राम राम जी। आज मैं एक और किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, एकदम ट्रू स्टोरी। एक बात बता दूं आपको, मैं कभी भी काल्पनिक किस्से नहीं सुनाता हूं। या तो किंवदंतियां हो, जो स्टोरीज चली आ रही हैं पारंपरिक, उनकी बात अलग होती है, पर जब मैं रियल लाइफ स्टोरीज सुनाता हूं तो वो कभी भी काल्पनिक नहीं होती, वो रियल स्टोरीज होती हैं। हाँ, ये है कि बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारे लोगों की आइडेंटिटीज जो है रिवील करना अच्छा नहीं माना जाता, और बहुत सारी मजबूरियां हैं, इस वजह से पात्रों के नाम बदल सकते हैं, शहर बदल देते हैं अक्सर। अब चूंकि यूपीएससी के किस्से हैं तो मुखर्जी नगर सूट करता है, इसलिए मुखर्जी नगर के किस्से के नाम पे ही ये एक और किस्सा मैं आपको सुना रहा हूं। हालांकि ये बीता किसी और शहर में था, कोचिंग नगरी में ही था, आज 20 साल पुरानी बात है। तब देयर वाज अनदर यूपीएससी एस्पायरेंट, पंडित जी थे, तो वो एक कोचिंग नगरी, मान लीजिए मुखर्जी नगर में ही, हमारे पंडित जी जो है वो मुखर्जी नगर में तैयारी किया करते थे, बड़े मेधावी थे, मेहनती थे, सिंसियर थे, सब बातें थी। तभी क्या हुआ कि उसी कोचिंग नगरी में एक और कन्या भी कोचिंग लिया करती थी, वो भी पढ़ाई करने आई थी, वो भी तैयारी किया करती थी, और ऐसा बताया जाता है कि वो कन्या इनसे भी बहुत ज्यादा मेधावी थी। तो साहब, जैसा कि कोचिंग नगरियों में अक्सर ऐसा हो जाता है कि दोनों की कभी कहीं किसी कॉमन फ्रेंड के यहां मेल मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, जैसा कि आमतौर पर होता है वैसे ही, और धीरे 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 जो है दोनों में जो है काफी अच्छा मेल मिलाप होने लग गया, और फिर कुछ दिनों बाद वो जो कन्या थी वो इनके रूम के अगल बगल ही वो रूम में शिफ्ट हो गई। और ये सही बात है कि वो इनसे ज्यादा सिंसियर थी कन्या, और इनसे ज्यादा मेहनती थी, मेधावी थी, इनसे ज्यादा फोकस्ड थी। पर चूंकि अब जब इनसे इश्क मटक्का, नैन लड़ गए, इश्क मटक्का शुरू हुआ, तो वो है ना, वो दिलीप कुमार का एक गाना है, नैन लड़ जाई है तो मनवामा कसक हुई बै करी, तो सब अब नैन लड़ गए, तो नैन लड़ गए तो सब प्रेम का अंकुर फूटा। अब प्रेम का अंकुर किधर पहले फूटा ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, पर ऐसा बताया जाता है कि प्रेम का अंकुर दोनों जगह बराबर सा फूटा, और चूंकि बालिका जो है वो बालक के रूम के एकदम मतलब लगभग नजदीक सा रूम लेके रहने लगी, और अब यहां बालिका जो है उस बालक को गाइडेंस देने लगी, उसकी गाइड बन गई, मेंटोर, और हर किस्म की गाइडेंस, स्पिरिचुअल, मॉरल, है ना, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में। तो बालक गरीब घर का था, और जो बालिका थी वो ठीक ठाक, मतलब मध्यम वर्गीय, एक मध्यम वर्गीय आय वाले पिता की बेटी थी, जो कि शायद किसी सरकारी विभाग में कुछ मध्यम वर्गीय अधिकारी थी, कोई बहुत ज्यादा हराम की कमाई नहीं थी, बस जैसा एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है। तो वो अपनी बेटी को जो है पढ़ाई का खर्चा भेजते थे। तो यहाँ बिटिया रानी जो है वो उस बालक के ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा करने लग गई, उसको संभालने लग गई। फिर उन्होंने देखा कि बालक जो है वो खा पी नहीं रहा है ढंग से, क्योंकि भाई अकेले बैचलर लड़के, आपको पता ही है कि
खाने पीने में कितने लापरवाह होते हैं, और लड़कियां भाई भारतीय संस्कारी लड़कियां तो भाई माँ से इतना तो सीख ही जाती हैं कि घर परिवार, और कुछ उनमें से कुशल गृहिणियां होती हैं, मतलब कम उम्र की बेटियां भी मैंने देखी है, बहुत कुशल गृहिणियां होती हैं। तो अब ये देखते हैं कि बालक जो है कोचिंग से आता है तो दौड़ के खाना बनाता है, तो कभी रूखा सूखा खा रहा है, कभी दूध ब्रेड खा रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे जो पहला केयर का जो इन्होंने प्रदर्शन किया वो यूं किया कि जब वो अपने लिए सब्जी बनाती थी तो इनके लिए भी बनाती थी, अपने लिए रोटी बनाती तो इनके लिए भी रोटी बनाती, और इनको टिफिन पहुंचाने लग गई। और चूंकि कमरा एकदम बगल में था तो एक दिन ये हुआ कि भाई चलो अब मैं क्या टिफिन लेके आऊंगी, तुम यहीं आके खा लो। तो बालक जो है वो उन्हीं के घर पे उन्हीं के कमरे में भोजन करने लग गया। तो बालक को कम से कम पका पकाया भोजन मिलने लग गया, तो पढ़ाई में सहूलियत हो गई। और फिर उस बालिका ने यह जीवन का नियम बना लिया कि बालक को जो है पका पकाया भोजन तीनों समय चाय समेत मिलने लगे, जिससे कि उनको इनकी चिंता न करनी पड़े। एक दिन जब बालक आए तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े धो धा के जो है वो पसार रखे हैं। फिर अगले दिन जब आए तो उन्होंने देखा कि उनका कमरा एकदम चाक चौबंद साफ किया हुआ, झाड़ू पोछा लगा हुआ, बिस्तर कायदे से बिछी हुई, चद्दर तकिए धुले हुए। तो बालक ने मना किया कि नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए। बोले नहीं मैं मेरे लिए ये बड़ा 5 मिनट का काम है, मुझे समय नहीं लगता है, मैं अपने 2 कपड़े धोती हूँ तो साथ में आपके भी धो देती हूँ, अपने लिए 2 रोटी बनाती हूँ तो 4 बना लेती हूँ, और ये होता भी है। खैर तो साहब जब वह बालिका इनका इतना ध्यान रखने लगी ना, तो इनके मन में असली जो प्रेम का अंकुर था वो बालक के हृदय में तब फूटा। बालिका तो खैर पहले से प्रभावित थी। तो फिर धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आ गई कि बालक ने देखा कि उनके अंडरवियर बनियाइन और तौलिया तक बालिका ने धो के सुखा के कायदे से फोल्ड करके उनके अलमारी में रखा हुआ है, मतलब रुमाल तक उनका प्रेस है। और उसके बाद बताया जाता है कि बालिका बालक के साथ ही रहने लगी, मतलब कमरा नहीं खाली किया, वो कमरा था, मतलब पेरेंट्स को दिखाने के लिए एक कमरा था, परंतु वो ऑलमोस्ट लिविंग में रहने लग गए। और ये सिलसिला सब चला 2 साल तक, और उस 2 साल में प्रत्यक्षदर्शियों ने मुझे ये कहानी जिन्होंने सुनाई है, वो वहीं एक बगल वाले कमरे में रहा करते थे, उन्होंने आजकल वो भी प्रशासनिक अधिकारी ही हैं। अच्छा आप लोग कहते होंगे ना कि आपको ये कहानियां कौन सुनाता है, ऐसा भैया हम लोग जब ये जो सोशल मीडिया वाले हैं ना, या पत्रकार वैसे भी, या सोशल मीडिया में हम लोग भी एक तरह से नाम तो सोशल मीडिया ही है ना, तो हम भी एक टाइप के मीडिया कर्मी है, तो हम लोग को रोल लोग जो है ना, अगर हमारे मेरे जैसा व्यक्ति जो अपना ओपनली फोन नंबर दे के रखता है तो लोग फोन करके व्हाट्सएप कॉल्स करके अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे खुद ही किस्से सप्लाई करते हैं। ये किस्सा मेरे एक ऐसे व्यक्ति ने जो कि मेरे मित्र नहीं है, उन्होंने आज सुबह सुनाया है ये वाला किस्सा जो अभी मैं आपको सुना रहा हूं। तो तब वो बालिका उनके रूम में शिफ्ट होगी, और 2 साल उसने इतनी ज्यादा उनकी केयर की और वो पूरी तरह डूब गई। तो कुछ लोगों ने यहां तक, क्योंकि वो खुद पढ़ने में बेहद ब्रिलियंट थी, बहुत मेधावी थी, पर वो अपना करियर अपनी पढ़ाई अपना सब कुछ भूल के छोड़ के इनकी सेवा में लीन हो गई, और मतलब तन मन धन जीवन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचती हूं हे प्रिय मैं तुम्हें कुछ और भी दूं, वो वाली कहानी थी। सब फाइनली एक दिन रिजल्ट आया
और हमारे जो है इस पंडित जी, हमारे जो इस कहानी के जो नायक हैं वो ऑल इंडिया 55 नहीं थोड़े जा, एक तो मेरे ना ऑल इंडिया 55 रैंक, ये मेरा तकिया कला बनता जा रहा है, तो ऑल इंडिया 155 टाइप रैंक में सेलेक्ट हो गए और आईपीएस बन गए। अब आपको तो मालूम है पूर्वांचल का लड़का जब आईपीएस बन जाता है तो क्या होता है, पता पूर्वांचल का नहीं हर जगह का लड़का, कोई भी लौंडा जब आईपीएस बन जाएगा तो तब तो कहने ही क्या होते हैं। तो बताया जाता है कि जब इस दौरान जब वो बालिका पूरी तरह इनकी सेवा में समर्पित थी और अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, तो कुछ लोगों ने उसको टोका कि यार तुम ये कर क्या रही हो, और तुम्हारी अपनी पढ़ाई लिखाई क्या हुआ, तुम कब दोगी एग्जाम। तो ना वो ऐसी बातों को एकदम हंसी में टाल देती थी, या मतलब तो लोग बताते हैं कि जब रिजल्ट आ गया और श्रीमान जी जब आईपीएस बन गए, तो उस बालिका ने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को ये जवाब दिया कि अब समझ में आया तुम्हें कि मैं अपना कहां मेरा ध्यान था, कम से कम मेरा पति आईपीएस तो होगा। यहां तक वो बातें उन्होंने की कि चलो अगर मैं खुद आईएएस आईपीएस में बनी तो मेरा पति तो है ना आईपीएस, कितने लड़कियों के पति आईपीएस होते हैं, इस टाइप की उन्होंने जो है बात की। फिर सब अब आमतौर पर क्या होता है कि जब लड़के का सिलेक्शन हो जाता है तो वो एकेडमी में ट्रेनिंग पे जाने से पहले एक आध महीने का तो जो थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उसमें लड़के कोचिंग नगरी से विदा होकर अपने घर चले आते हैं कुछ समय के लिए, भाई अभिनंदन नागरिक सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह, हाई समारोह, हाई समारोह, यहाँ फूलमाला यहाँ। तो होता क्या है कि पूर्वांचल में साहब जैसे ही लौंडा सेलेक्ट होता है ना तो तिलकारू जो है द्वार खांचने लगते हैं। तिलकारू मतलब तिलक, शादी में जो तिलक नहीं होता तो उसमें बड़ा मोटा चढ़ावा चढ़ता, तो जो शादी के प्रस्ताव लेके आता है उनको यूपी पूर्वांचल में तिलकारू कहा जाता है। तो ये बालक भी चूंकि गोरखपुर साइड के रहने वाले थे तो सब अब जैसे ही लड़का जो है सेलेक्ट हुआ तो लोग तिलकारू जो है द्वार खांचने लग गए, और सब आईएएस आईपीएस को तो सब वही लोग अप्रोच करते हैं जो खुद बड़े स्वयं बहुत बड़े धन पशु हैं या बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, माफिया, जी हाँ, बड़े पॉलिटिशियंस और खुद प्रशासनिक सेवा के लोग। तो ये लोग सब दामाद लिटरली बोली लगाकर खरीदा जाता है रसूख। तो सब बालिका को तो पता था। अच्छा, इधर जैसे ही लड़का सेलेक्ट हुआ, लड़का अपने घर गया, तो बालिका भी जो है कोचिंग नगरी छोड़ के अपने घर आ गई, और करीब दो हफ्ते बाद या एक महीने बाद जो है अपने पिताजी से बोली कि अरे आप भी जाइए बिल आइए। तो साहब बालिका के पिताजी जो है वो चार पांच डब्बा मिठाई उठाई फल और फल फ्रूट लेके पहुंचे। तो जब वहां पहुंचे तो उनका बड़ा रूखा स्वागत किया गया। वो असल में इसलिए क्योंकि भैया अब तक तो आईपीएस महोदय के घर पे बहुत मोटी मोटी असामी, बड़े भारी भरकम पैसे वाले लोग आने लग गए थे, तो उनके सामने तो ये ऐसे एकदम विप्र सुदामा की तरह बेचारे पहुंचे। तो जब ये पहुंचे तो लड़के के पिता ने तो सामान्य व्यवहार किया, और लड़का उसके बाद इनको ले गया एक कोने में और उनसे बोला पंडित जी जरा पीछे मुड़िए। और जब पंडित जी पीछे मुड़े तो लड़कवा मारा वही एसएसपी साहब
आईपीएल अभी तो हालांकि हुए नहीं थे पर आईपीएल सेलेक्ट हो गए थे ना, तो एसएसपी साहब मारे इनको 1,00,000 पिछवाड़े पे, और वही वाक्य आज के बाद ताले दिखाई मत देना, बंद करवा देंगे थाने में, चले आते हैं। अब बेचारे पंडित जी अपना समूह लेके चले आए और जब इतनी उदास गमगीन हालत में पहुंचे अपने घर तो बिटिया ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने पूछा ऐसा एसएसपी साहब के पिताजी ने किया कि बोले नहीं है, पिताजी ने तो बड़े प्रेम से मिले, बड़े व्यवहारिक ढंग से, बहुत कायदे से, सम्मान से मिले। तो बोले फिर आपके साथ ये दुर्व्यवहार किसने किया? तो बोला कि एसएसपी साहब ने खुद किया। और ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि एसएसपी साहब को पता ना हो कि ये कौन सज्जन है जो 5 डब्बा मिठाई और 5 किलो फरूक लेकर आए हैं। कहता ये कहानी, ये प्रेम कहानी यही समाप्त हो गई। और जैसा कि आमतौर पे पूर्वांचल के लड़के मैट्रिमनी बाजार में बैगन की तरह तोल के बिकते हैं, हमारे एसएसपी साहब भी बिक गए। और वो जो कल तक पूरी तरह मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहती हूं हे प्रिय मैं तुम्हें कुछ और भी दूं, वो जो है एकदम डिप्रेशन में चली गई, एकदम विक्षिप्त अवस्था में चली गई। और 1.5 साल उनका बताया जाता है कि बकायदा इलाज चला, तब जाके ठीक हुई, मतलब बहुत ही बुरी दशा हुई उनकी। और बताने वाले ने यह बताया कि बेहद खूबसूरत, बहुत जहील, वेरी एक्सट्रीमली कल्चर्ड एंड एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव गर्ल। और बहुत मेधावी, परंतु इस झटके से फिर वो कभी उबर नहीं पाई। मैंने जो पिछली कहानी सुनाई थी जब वो उस लड़की ने मौर्य जी को हमारे लात मार दिया, तो मौर्य जी भी 1.5 साल डिप्रेशन में रहे थे। कल एक मित्र ने कमेंट किया कि नहीं मौर्य दारू नहीं पीते थे, आज मैंने उस बात को कंफर्म किया। अरे क्या बात कर रहे हो, जिस कमरे में मौर्य रहते थे उसके पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप का था, बालकनी टाइप की थी, वहां पे दारू की इतनी बोतल निकली थी कि कबाड़ी जो है वो रईस हो गए। बोला साले इतना गोली मारेंगे कि खोखा बेच के रईस हो जाओ, ऐसे होता ना फिल्मी डाले हुए। तो इतना दारू का बोतल निकला था कि कबाड़ी रईस हो गया हुआ। पर मौर्या जी 1.5 साल में इस झटके से उभर गए थे और फाइनली जो है ऑल इंडिया 10 के नीचे रैंक लेकर आए थे, आईएएस बने थे खुद। पर यहाँ पे इस केस में एसएसपी साहब से धोखा खाने के बाद वो लड़की फिर कभी संभल नहीं पाई और डिप्रेशन में चली गई। और बिल्कुल ग्रंथ में बात बताया जाता है कि उनके पिता ने अपने कभी अपने से कोई जूनियर, जिस सरकारी विभाग में खुद थे उसी सरकारी विभाग के एक जूनियर क्लर्क जो उनका कभी मातहत रहा था आज से 4-5 साल पहले, उसी से खोज खाज के किसी तरह उनकी शादी की। और वो ये महिला आज भी जो है गोरखपुर में रहती हैं। और एसएसपी साहब तो अब मतलब 20 साल पुरानी बात है, तो अब तो डीआईजी आईजी हो गए होंगे, डीआईजी तो कम से कम हो ही गए होंगे, और उधर कहीं साउथ वाउथ का कैडर है उनका, वहां डीआईजी है। तो जिस व्यक्ति ने मुझे ये कहानी सुनाई, मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए यार, आप बता रहे हैं कि वो लड़की बहुत जहील, बेहद खूबसूरत, अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, और
बहुत अच्छी गृहिणी, मतलब वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। तो ऐसी महिला, ऐसी पत्नी, ऐसी प्रेयसी, ऐसी प्रेमिका को छोड़ के कोई आदमी कैसे किसी और से संबंध बना लेता है, विवाह कर लेता है? तो उन्होंने कहा कि पैसा, मैट्रिमनी बाजार में ऑफर किए जाने वाला पैसा और ससुर का रसूख। आमतौर पे ऐसे लोग जो ये मैट्रिमनी बाजार में बिकने वाले लोग होते हैं ना, ये शादी नहीं करते, ये अपनी उनका उनकी शादी में जो मैरिट होती है वो पत्नी नहीं होती, वो लड़की नहीं होती, लड़की का बाप होता है, लड़की का बिजनेस होता है, लड़की के बाप का रसूख होता है, उसका सोशल स्टेटस होता है। तो इसी क्रम में आज मेरे मित्र ने वो मुझे बताया कि एक और कहानी है जिसमें एक अन्य आईएएस ने मतलब ऐसी लड़की से शादी की थी जो साक्षात भालू थी, उन्होंने वर्ड यूज किया है भालू। तो जब लोगों ने, किसी साथ के मित्रों ने पूछा कि ये क्या किए हो, तो उसने बोले जानते हो मेरे ससुर का रसूख क्या है। हालांकि अब उनके ससुर वो भी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक बहुत बड़े अधिकारी थे, अपने विभाग के मालिक थे, उनकी बेटी से शादी किए थे ये। तो वो कहते हैं कि सारी जिंदगी मेरी जो पोस्टिंग ट्रांसफर होगी वो मेरी पोस्टिंग नहीं होगी, मैं खुद पोस्टिंग अपनी चुनूंगा। तो एक बढ़िया पोस्टिंग के लिए लोग शादी कर लेते हैं। तो बात यह कि ये इतनी मटेरियलिस्टिक दुनिया कि जहां पे कोई पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक संबंध, प्रेम सब व्यापार है कुछ लोगों के लिए। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल इन सांसारिक चीजों पे, इन व्यापारिक चीजों पे कभी व्यापारिक सौदे नहीं किए, उन्होंने हमेशा संबंधों को महत्व दिया। पर ऐसे भी हैं जैसे कि मैंने ये आज पंडित जी कहानी सुनाई कि उस लड़की की 2-2.5 साल के साहचर्य, प्रेम, लव, केयर, इमोशंस को लात मार के उन्होंने एक व्यापारी की बेटी से शादी कर ली। तो यह सब कहानी तो सब वैसे ही मुखर्जी नगर के किस्से चलते रहेंगे, फिर कोई शाम तक कोई फोन करेगा, फिर कोई नई कहानी सुनाएगा। बातें ना, व्हाट कंक्लूजन आर यू गोइंग टू ड्रॉ? आपके लिए, बहुत सारे नए युवाओं के लिए ठीक है, रुपए पैसे का महत्व होता है, व्यापार का महत्व है, रसूख, स्टेटस, पावर, सारी बातें महत्वपूर्ण है। तो मेरा निजी अनुभव है कि पारिवारिक सुख का कोई मूल्य नहीं, परिवार, पत्नी का प्रेम, उसका समर्पण, उसका कोई मूल्य नहीं। किसी दिन आपके सामने भी, आप भी ऐसे चौराहे पर खड़े होंगे जहां आपको एक फैसला करना होगा कि प्रेम को चुने या परिवार या व्यापार को चुने। उस दिन शायद ये कहानी आपको फैसला लेने में मदद करे। आज के लिए इस कहानी में इतना ही, अगले फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नए किस्से के साथ मिलते हैं। Thank you very much.